नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो गिरफ्तारी और कस्टडी वाला जो मामला है, अवैध गिरफ्तारी और कस्टडी का, उसका पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा था, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के हलफनामा दाखिल करने में, जिसमें ईडी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, और जो ईडी के जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनके बारे में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बार बार संबंध को नेग्लेक्ट कर रहे थे ईडी के को, उसके आचरण से ऐसा लग रहा था कि वो इस मामले में बड़े दोषी हैं और उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं। तो जब उन्होंने ये सारे संबंध नेग्लेक्ट किए, इसके बाद हाई कोर्ट गए, कोर्ट में जब उनको मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इसमें हम आपको राहत नहीं दे सकते, उसके बाद ईडी ने उसी रात अरविंद केजरीवाल को उनके शीश महल के अंदर से, जो 171 करोड़ का शीश महल बना है, उसके अंदर से अरविंद केजरीवाल को दबोच लिया और खींचते हुए ईडी लेके गई और लॉकअप में डाला। वहां उनको कई दिनों तक उनकी रिमांड ली और रिमांड के बाद उन्हें जेल के अंदर फेंक दिया। अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर पड़े, लेकिन वो याचिका अभी तक उनकी चल रही है, उसमें ईडी ने हलफनामा दाखिल कर दिया था। आज उसी हलफनामे के एवज में अरविंद केजरीवाल से जवाब दाखिल करने को कहा गया था, और आज जो अरविंद केजरीवाल ने जवाब जो दिया है, सचमुच देखने वाला है और शर्मिंदा करने वाला है कि एक आदमी किस स्तर तक झूठ पे झूठ बोल सकता है, इसके बावजूद के कानून के शिकंजे में वो फंस चुका है। वो चोर है, दिल्ली के टैक्सपेयर का पैसा उसने चोरी किया है, लूटा है, वो लुटेरा है, वो मक्कार है, वो झूठा है। इन सारी बातों के बावजूद वो किस तरीके की, हम आपको एक एक पॉइंट पे सारी चीजें आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके का प्राणी है और ये सभी लोग किस तरीके के प्राणी है कि चोरी ऊपर से सीना जोड़े। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले ईडी की गिरफ्तारी का तरीका और उसकी टाइमिंग केंद्रीय जांच एजेंसी की मनमानी की ओर इशारा करती है। केजरीवाल साहब, हम आपको बताते हैं, ये श्रीमान केजरीवाल साहब को जो ईडी ने पहला सम्मन भेजा था वो अक्टूबर में भेजा था। अक्टूबर में साहब को पहला सम्मन गया था, इसके बाद वो लगातार किसी ना किसी बहाना बना के, और सबसे बड़ी बात थी, हमने इस पर भी आपके लिए कई वीडियो उस टाइम पर आपको डाले थे, जानकारी दी थी कि जिन सम्मन को वो अवैध बता रहे हैं, किसी भी जाँच एजेंसी, हमारे यहाँ जो भी जाँच एजेंसियाँ कौन सी होती है, जो जिनको एफआईआर दर्ज करने की पावर होती है, पुलिस, मतलब पूरे देश में कहीं पर भी पुलिस, सीबीआई और एनआईए, ईडी, इन सब को जांच करने का अधिकार है, और कॉन्स्टिट्यूशनली ये जिस भी व्यक्ति पे शक करते हैं उसको जब ये सम्मन भेजते हैं, वो सम्मन उसको अवैध, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में आज तक किसी व्यक्ति ने अवैध नहीं बताया। ये पहला व्यक्ति था अरविंद केजरीवाल लुटेरा, इसने पहली बार सम्मन को अवैध बताकर एक नई परिपाटी शुरू करने की कोशिश की, और इतने सम्मन नेगलेक्ट कर दिए कि नेगलेक्ट करते करते ये सारा मामला चुनावों तक आके पहुंच गया। तो गलती किसकी थी, अरविंद केजरीवाल की या चुनाव आयोग की होगी कि उसने चुनाव क्यों घोषित कर दिया। सारी चीजें अपने हिसाब से चलती है। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हो रहे थे, कैसे अवैध था सम्मन, लास्ट में कोर्ट ने भी कहा, इन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर,
कि भैया अवैध जो बता रहे हो ये आपके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर किया जाता है जो अभी चल रहा है। तो ये सारा ये पूरी की पूरा झूठ, ये सारी टाइमिंग, ये सब चीजें ये केजरीवाल की ही क्रिएट की हुई है, ईडी ने तो नहीं की। ईडी तो इन्हें अक्टूबर 2023 में बुला रही थी, 2024 का तो सवाल ही पैदा नहीं था। ये 23 में ही चले जाते, पहले संबंध पे जाते, दूसरे पे जाते, तीसरे पे जाते, जिस पे भी जाते बोलाते कोई भी इनका आचरण अच्छा होता वो कहते जी नहीं ये केजरीवाल साहब का इसमें नहीं इन्वॉल्वमेंट, अगर नहीं होता तो मना कर देते, होता तो आपको दबोच लेते उस टाइम पर, और दबोच लेते तो अब तक चुनाव का हो सकता है तो आप बाहर भी आ जाते संजय सिंह की तरह। तो ये एकदम इतना गलत ईडी का, इतना गलत ईडी के हलफनामे का जवाब है जिसका कोई जवाब नहीं है, कोर्ट इस पे बिल्कुल भी भरोसा करने वाला नहीं है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में कहा कि उनकी गिरफ्तारी इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े, इसको सुनिएगा, अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कुचलने के लिए ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून का दुरुपयोग किया है। क्या एक एक कमाल का आदमी है ये, सबसे बड़ा कांग्रेस कहाँ गई भैया, कौन सा कैसे इसको सह रहे हैं ये इंडिया गठबंधन वाले भी कैसे सह रहे हैं, सचमुच पता नहीं किस मुंह पे पर्दा डाल के जी रही है कांग्रेस। इतनी शर्मिंदगी, मतलब कमाल था, ये कांग्रेस को आखिर हो क्या गया है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कह रहे जी ये तो जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, मतलब महान हो गया केजरीवाल भाई, चोर इतना शोर मचा रहा बस पूछो मत, कान दुख गए। तो इसमें अपने आप को बता रहा कि भैया बीजेपी ने इसलिए कराया कि सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। तो राहुल गांधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, खड़गे गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, सोनिया गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, और भी बहुत सारी पार्टियां उनके सर्वे सर्वाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ सिर्फ तुमको क्यों दबोचा गया, क्यों खींच के घसीट के ले जाया गया जेल में, क्यों सिब्बू सोरेन को दबोचा गया, आर्मी की जमीनें बेचेगा। हिंदुस्तान में कानून भी कोई चीज है, चोर अगर मुख्यमंत्री चोरी करता है तो उसे भी पकड़ा जाना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत जवाब, कोर्ट के अंदर औंधे मुंह गिरेगी ये बात, और बल्कि कोर्ट के जो जज वज होते होंगे, जो जस्टिस होते हैं, जो न्यायमूर्ति होते हैं, उन्हें भी मुझे लगता है ऑफ द बीट पर्दे के पीछे उन्हें भी ऐसे चीजों पे हंसी आ जाती होगी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी को साउथ ग्रुप से रिश्वत मिली, बताइए। ईडी मनीष सिसोदिया के मामले में कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल मिली है तुमको, कैसे छोड़ दें, अभी तक बाहर नहीं आया है मनीष सिसोदिया, और कितने लोग गिरफ्तार हैं, अभी चन्नी एक पकड़ा गया है, सारी चीजें हैं, फिर भी कह रहा है कि एक पैसा नहीं मिला। अरे पैसा नहीं मिला तो मनी ट्रेल तो है, पैसा तो तुम रखोगे ही नहीं, वो तो घी के कनस्तर बन गए, घी के टिन थे भैया, घी के टिन मांगोगे तो पैसा उसमें कहाँ, कमाल है पैसा, राघव चड्ढा कहाँ गया है बिटकॉइन में और सारी चीजों में, पैसा तुम्हारा लूटने, 133 करोड़ रुपए का भी अब तो हिसाब लेना है केजरीवाल साहब आपसे, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दिया था देवेंद्र सिंह भुल्लर आतंकवादी को छुड़वाने के लिए। अब ये कहते हैं इस अभियान में, गोवा चुनाव अभियान में इस रकम का इस्तेमाल किया जाना तो दूर की बात है, 45 करोड़ रुपए का सारा मिल गया है, हवाला वाले भी पकड़ लिए हैं, वो शराब घोटाले की नानी जो बैठी है के कविता, उन्होंने सब बता दिया है, बुच्ची बाबू ने बता दिया, घी के कनस्तर जो के कविता का सीए था सबसे पहले उसको भी पकड़ा गया था, उसके बयान भी हैं अभी तो। ये कहां से कैसे बयान दे रहे हैं, और मतलब अभिषेक मनु सिंघवी का ये हाल है। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कथित रिश्वत का एक भी रुपया नहीं आया और इस संबंध में लगाए गए आरोप बेबुनियादी हैं, ऐसे में चुनाव के दौरान जब राजनीतिक पार्टी की गतिविधि शिखर पर होती है ऐसे समय याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी गंभीर पूर्वाग्रह का संकेत देती है, इसमें सत्तारूढ़ दल को मौजूदा चुनाव में अन्यायपूर्ण बढ़त मिलेगी।
मतलब आप समझिए, 1 रुपया नहीं मिला इनको, मनी ट्रेल सारी मिल गई। घी के कनस्तर का जवाब नहीं दे रहे, 15 घी के कनस्तर पहुंचा दो हैदराबाद में, ये कोई नहीं बता रहा है। पैसा डिजिटली सारा पैसा मिल गया, पूरी मनी ट्रेल मिल गई, सारी चीज साबित हो गई। 45 करोड़ का एक एक हिसाब दे दिया गोवा का। वो ठेकेदार चंदी भी पकड़ दिया जिसके थ्रू पैसा गया था, जिसने रिसीव किया था पैसा, यहाँ से 45 करोड़ रुपए भेजे गए। इसके बाद भी कह रहे हैं, हंसने वाली बात है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक जैसा अवसर उपलब्ध कराया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी उचित नहीं है। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि केजरीवाल ने इस मामले में अपने आचरण से जांच अधिकारी को यह विश्वास दिलाया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी हैं। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अब तक केजरीवाल को कहीं से भी कोई कानूनी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर चुका है, बहुत बहुत गंभीर टिप्पणी करके। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में उसके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां ये मामला चल रहा है। अब तक इस मामले में केजरीवाल को कोई कानूनी राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका जो थी उसको खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लड़ रहे हैं, और उस केस में मुंह की खानी पड़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला जो चल रहा है। अगर इसके बाद जिस तरीके के जवाब फाइल किए गए, हंसने वाले हैं, और सचमुच ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा है जो चोटता है परंतु अपनी जिद पे अड़ा है। बहरहाल केजरीवाल बहुत बड़ा लुटेरा है और बहुत फंस चुके हैं इस टाइम पर, जेल से बाहर आने वाले नहीं है। लेकिन अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं वो आंसू बहा बहा कर, जैसे वो खुद आए थे वैसे ही अपनी पत्नी को अभी स्टेब्लिश करने में लगे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके का सूपड़ा साफ आदमी आदमी पार्टी का होगा, उसके बाद पूरी पार्टी बिखर जाएगी। हम ये आपको घोषणा कर रहे हैं अभी से, बचेगी नहीं आम आदमी पार्टी। इसके बाद आम आदमी पार्टी पे भी धारा 70 के तहत, जो PML एक्ट है उसकी धारा 70 के तहत कंपनी मानकर उसको भी अगली चार्जशीट में मई के अंदर ED शामिल करेगी, और उसके बाद इसका सिंबल छिन जाएगा पार्टी का, और ये पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर के स्क्रीन पर आ रहे QR कोड को स्कैन करके, या फिर आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।